गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे साथ जुड़े चुके हैं मोहम्मद हारून जी, और जी इनका सिलेक्शन अभी मध्य प्रदेश पीएससी की जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसमें आरईएस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो सर, आप अपने में बारे में थोड़ा बताइए हमें, कैसी आपकी जर्नी रही और कहाँ कहाँ से आपने तैयारी का जो फेस है वो स्टार्ट किया था। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद हारून है और मैंने आरईएस डिपार्टमेंट में फोर्थ रैंक ली है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको मतलब रिटर्न से लेकर इंटरव्यू तक की जो भी डिटेल्स है वो थोड़ा थोरली बताता हूँ। सबसे पहले रिटर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो है आपके किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, जैसे मेडिजी या फिर ईएस मास्टर, उनके नोट्स काफी मतलब अच्छे नोट्स होते हैं, वो ले लीजिए। उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं, एटलीस्ट मतलब 15 ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर, वो आपको बार बार करने हैं, क्योंकि एमपीपीएससी एई का जो पेपर आता है वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन डायरेक्टली, एक वो कर सकते हैं। उसके अलावा सीएससी प्रीलिम्स का एक मेडिसी का नोटबुक आती है, उसमें मतलब ईएससी के जैसे क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, हल्का सा एडवांस लेवल, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, मैंने वो वाली बुक्स भी लगाई थी। और उसके अलावा अगर आप चाहो तो यूथ लगा सकते हो, लेकिन मैं यूथ सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारा कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके अंदर सबसे बेटर बुक है वो ईएससी प्रीलिम्स है ना, उसके अंदर भी आप सब्जेक्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं कि यार जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके मेरा स्टडी का जो तरीका रहता है, मेरा स्टडी का तरीका ये रहता है कि मैं सब्जेक्ट्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट लेते हैं जिसके अंदर सोम स्टील आरसीसी और स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद वाटर वाले सब्जेक्ट लेते हैं जिसके अंदर इन्वायरमेंट हाइड्रोलॉजी इरिगेशन फ्लूड मैकेनिक्स ये सारे आ जाते हैं। और फिर तीसरा लेता हूँ मैं ट्रांसपोर्टेशन प्लस सीपीएम, और अगर इसी के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी लिए जा सकते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा इजीली पड़ जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं। तो ये तो हुआ रिटर्न की तैयारी का तरीका। उसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर आपको अपने आप को देखना है, आपको किसी को ये नहीं देखना कि यार अगर उससे क्वेश्चन पूछे गए तो मेरे से भी यही पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आपकी प्रोफाइल होती है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हैं वो होती है, आप जिस जगह से आपने पढ़ाई की है वो इंपॉर्टेंट होती है चीजें, और आपने क्या स्टडी के अंदर किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स आपने कौन सी फील्ड के अंदर किया है, कहाँ से किया है, उस कॉलेज के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और आपने जिसके मेरा अगर मैं बताऊँ तो मेरा एमएनआईटी जयपुर से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग मैंने एमटेक किया है। तो मेरा जो क्वेश्चन था इंटरव्यू का, सबसे पहला है मैं अपना इंटरव्यू बताता हूँ आपको। सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा, नाम पूछने के बाद मेरे से पापा का नाम पूछा, मम्मी का नाम पूछा, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पूछी, कहाँ से बिलोंग करते हो ये पूछा, और वहाँ की जो जो फेमस चीजें होती है वो पूछी। उसके अलावा कौन से स्कूल से आप पढ़े हो, कब से कब आपने 10th पास आउट की, इंजीनियरिंग आपने आपने कहाँ से की, इंजीनियरिंग आपका कब का पास आउट है, इंजीनियरिंग के बाद आपने क्या किया, तो आपने इंजीनियरिंग के बाद क्या किया, इस चीज का आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने एमटेक किया था, तो बोले कि एमटेक कहाँ से किया आपने, तो बोले कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर, बोले ठीक है। फिर रतलाम के बारे में वो पूछने लगे कि रतलाम के बारे में आप बताओ, मैं रतलाम से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो जितनी चीजें आप मतलब जानते हो सारे बोले रतलाम को रतलाम क्यों कहते हैं, रतलाम की फेमस चीज है, और वहां पे मतलब खेती किस तरीके से होती है, और इंटरनेशनल लेवल पर रतलाम के अंदर फेमस क्या है, ये सारी चीजें, रतलाम की तहसील वगैरह के बारे में पूछते हैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन। उसके बाद वो आते हैं हॉबीज के ऊपर कि आपकी क्या क्या करना पसंद है आपको। तो मेरे मेरी हॉबीज लिखी थी योगा, क्योंकि मतलब जुलाई के आसपास इंटरव्यू था और 22 जून को योगा डे गया था, तो डेफिनेटली योगा के ऊपर उनको अच्छा नॉलेज होगा क्योंकि वो लोग पेपर पढ़ते हैं। तो मेरे से पेपर की उन्होंने कटिंग थी, तो योगा के बारे में मेरे से पूछा कितना टाइप के योगा होते हैं, आप कौन कौन से योगा कर लेते हो, सूर्य नमस्कार के अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, आप कितने इटरेशन कर लेते हो, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, ये सारी चीजें पूछ ली। उसके बाद मेरे को बोलने लगे वो कि आप के वहां तो खेती अच्छी होती है तो आप यहाँ तैयारी क्यों कर रहे हो, जाओ खेती करो जाके। अब जब ये क्वेश्चन आता है तो मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं जनरली वो सोचते हैं कि मुझे भगा रहे हैं ऐसे करके, या फिर मुझे रिजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने डायरेक्टली सर को ऐसा बोला था कि सर जमीन भी होनी चाहिए खेती करने के लिए, हमारे पास लैंड वगैरह नहीं है। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो आए टेक्निकल के ऊपर, तो टेक्निकल मेरा जो स्ट्रक्चर बैकग्राउंड है तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल मेरा टेक्निकल क्वेश्चन था, जैसे कि मेरे से ट्रांसपोर्टेशन के सवाल करे उन्होंने, मर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होती है, आप रतलाम में रहते हो तो रतलाम के अंदर एक चौराहा है 2 बत्ती, तो वहां पर ट्रैफिक को आप कैसे कंट्रोल करोगे। उसके अलावा आरसीसी के 2-3 क्वेश्चन थे, बेसिक कोडल प्रोविजन जो होते हैं वो, और एक क्वेश्चन करा था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपने पढ़ी है तो उसके अंदर क्या होता है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या क्या उसके अंदर आपने पढ़ी है, क्या क्या चीजें होती है, तो वो सारी मैंने बता दी कि 2 पॉइंट होते हैं मटेरियल इंजीनियरिंग और डिजाइन एनालिसिस पार्ट हो गया, ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती है। उसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट जो रहती है एक्सपीरियंस के लिए कि इंटरव्यू में कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें,
मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो मैं अटक गया था उसके अंदर। मैं से क्वेश्चन पूछा कि जो शेयर्स क्या होती है, अब मैंने साइट पे वर्क किया नहीं, शेयर्स के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा सॉरी सर। 2-3 बार उन्होंने सॉरी बोला तो बोले कि बेटा मैं बताता हूँ तुमको, लॉन्गिट्यूडनल बार और एक जो ट्रांसवर्स बार्स होती है उनको कनेक्ट करने के लिए यूज अपन करते हैं चेयर्स का। तो मैंने कहा सर वो स्टीरअप्स होती हैं। फिर मेरे से बोले कि अच्छा चलो स्टीरअप्स, स्टीरअप और टाई के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अब मुझे मेरा ये मेरे जो क्वेश्चन थे ना स्ट्रक्चर के, ये मेरे स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, मुझे इसका भी जवाब पता नहीं था। अब इसका जवाब पता नहीं था तो मैंने कहा सर के टाई जो होती है सर्कुलर कॉलम में लगती है और स्टीरअप लगती है वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम के अंदर। तो हंसने लग गए, बोले गए बेटा ऐसा नहीं होता है, टाई अपन कॉलम के लिए यूज करते हैं और स्टीरअप के लिए जो होती है वो अपन जनरली बीम को वो टर्म डिफाइन करते हैं। तो मैंने कहा सॉरी सर ऐसे बोल के। और मतलब आपको कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो एमपीपीएससी का इंटरव्यू था, उसके पहले ना तो मैंने कोई प्राइवेट इंटरव्यू दिया और ना कोई गवर्नमेंट इंटरव्यू दिया, हमारे कैंपस के में भी सिलेक्शन नहीं हुआ था मेरा। हाँ तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो जरूरी नहीं है कि मतलब वो आपको अपनों को बतानी है, आप बस ऐसा प्रिटेंड करो कि मुझे ये चीज सीखने के लिए मैं तत्पर हूँ। सर मुझे मतलब जैसे एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आप जब सरिये जो होते हैं ना, बार्स जो होते हैं, बार्स को अपन कनेक्ट करते हैं तो वायर का यूज करते हैं, उस वायर को क्या बोलते हैं। मैंने कहा सर वो तार यूज करते हैं ऐसे करके मैंने बोला, तो बोल के उसका कुछ नाम तो होगा। मैंने कहा सॉरी सर, बोले बाइंडिंग वायर होगा क्या होगा। मैंने कहा सर बाइंडिंग वायर, तो बोल के हाँ ऐसा बोलो ना, ये चीजें होती है। तो ये टर्म से अपन जनरली फैमिलियर नहीं होते। हाँ वही चीज होती है। और दूसरी बात ये है कि अपने प्रोफाइल को अच्छे से अपने करके जाना है। और एक्सपीरियंस के लिए मैं जिसके अगर अपने आपके बारे में बताऊं तो मैंने और फैजान ने तैयारी एक साथ करी थी ना इंटरव्यू की, हम मतलब ऑनलाइन कनेक्टेड रहते थे तो मार्क्स भी हम दोनों को अराउंड एक जैसे ही मिले। उसको भी मतलब 38 के आसपास मार्क्स मिले, मेरे को भी 37 के आसपास मार्क्स मिले। तो हम लोग जो थे, हम लोग एक वर्स्ट केस सिनेरियो को मतलब प्रिपेयर कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है ना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर 10 सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं MNIT जयपुर से हूँ, तो मेरे जो गाइड थे जयपुर के अंदर, मेरे जो गाइड थे वो भी RPSC का इंटरव्यू लेते थे, वो पैनल के अंदर मेन मेंबर होते हैं, चेयरमैन भी बने वो कभी कभी। तो मैंने उनसे राय ली थी इस बारे में, तो उन्होंने मेरे को बोला था, बोले कि बेटा एक बात तो ये कॉन्फिडेंट रहो और दूसरी बात ये कि एमटेक का कोई एक सब्जेक्ट ऐसा प्रिपेयर करके जाओ कि जिसके ऊपर आप बात कर सको, है ना, क्योंकि उनको ये तो लगना चाहिए कि यार अगर आपने एमटेक कराया तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। तो मैं वो सब्जेक्ट भी इवन प्रिपेयर करके गया था। हाँ एमटेक का एक सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ा था और प्रिपेयर कर गया था। दूसरी बात ये कि मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट है उसके बारे में सर ने बोला, बोल के ये प्रिपेयर कर गया ना पूछ सकते हैं, हालांकि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ लेकिन एक्सपीरियंस से पूछ सकते हैं सवाल। तो मैं मतलब इंटरव्यू के दिन तक भी है ना ये चीज पढ़ रहा था। मेरा अंदर इंटरव्यू होने वाला था उसके एक घंटे पहले भी मैं अर्थ करके कोड पढ़ रहा बैठा बैठा नीचे, जितने भी कोड होते हैं सब। मैंने कभी कुछ पूछ लिया तो, हालांकि बाय लक उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं मेरे से, कुछ भी पूछा था। हाँ कुछ भी पूछ सकते हैं ना वो, तो ये चीज नहीं। और दूसरी बात, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम सज धज के जाना है। एक बेसिक फॉर्मल ड्रेस जो होती है, अब जिसके ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में आप ब्लेजर पहन सकते हैं, पर अगर फॉर्मल स्वेटर है वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बेसिकली वो आपका पर्सनैलिटी जज करते हैं, उनको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप क्या पहन के आ रहे हो, क्या चीज है वो। हाँ इस चीज से उनको कोई मतलब नहीं होता है। हाँ हेलो, महंगा पहन के जाओ, जस्ट एक फॉर्मल लुक, बिल्कुल क्लीन एंड फाइन लगना चाहिए, सही बात। हाँ बिल्कुल। फेस में आपने जैसे तैयारी की रिटर्न की, तो उसमें GS वगैरह का कैसे क्या तैयारी की? GS फॉर इंटरव्यू के लिए या फिर रिटर्न के लिए? इंटरव्यू के लिए सर। हाँ पहले मैं रिटर्न का बता देता हूँ फिर इंटरव्यू का बताता हूँ, है ना। रिटर्न के लिए जो GS था, GS के 3 सेगमेंट आते हैं, मतलब उसमें सिलेबस के अंदर डिस्क्राइब किया कि MPG के 35 क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन आएंगे, ICD के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो जो 35 क्वेश्चन होते हैं वो एक मेजोरिटी का मार्क्स है। तो मैंने एक बुक थी मेरे पास पुणेकर की, वही बुक से मैं पढ़ता था, और पुणेकर का ही एक और एडिशन आता है क्वेश्चन आंसर का एडिशन, थोड़ी मोटी बुक आती है वो, उसके अंदर MP के सारे एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उसको आप जितनी बार लगा सकते हो उतना लगा लो। क्योंकि मतलब जो MPPSC का पेपर में दे रहा था तो उसके अंदर से मोर देन 50% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम दैट नोटबुक, जो बुक आती है ना क्वेश्चन आंसर की, उसके अंदर 50% ज्यादा क्वेश्चन तो उसी के अंदर से आते हैं पुणेकर की बुक में से। और अभी मार्केट में आकार की बुक आ रही है MPGK के लिए, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। उसके अलावा करंट अफेयर के लिए
मंथली करंट अफेयर आप ले सकते हो। अगर आप मतलब करंट अफेयर पढ़ नहीं सकते हो तो उत्कर्ष क्लासेस के जो मंथली आता है कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया होता है। उसके अंदर बस नेशनल इंटरनेशनल जी के कवर होता है। उसके अलावा एमपी के लिए भी एमपी उत्कर्ष करके एक आता है वो भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैंने तो मतलब मेरा जो करंट अफेयर था इन दोनों चीजों से प्रिपेयर किया था और आईसीटी को मैंने पूरा छोड़ दिया था। आईसीटी में पढ़ के ही नहीं गया था। क्या बात। हाँ पूरा मैंने छोड़ दिया क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं। आईसीटी का ऐसा रहता है कि अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत सिंपल आएगा, मतलब आप बिना पढ़े ही कर दोगे उसको, और अगर नहीं आएगा तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बनते ही नहीं क्वेश्चन, तो क्यों टाइम वेस्ट करना उसके ऊपर। ये तो स्मार्ट मूव था आपका। हाँ ये स्मार्ट वो था। और आखिर में मतलब 2020 का जो पेपर था ना उसमें आईसीटी बहुत डिफिकल्ट आया था। काफी डिफिकल्ट था, 2-3 क्वेश्चन मतलब। हाँ टच करने की कोशिश की थी। हाँ उसके अलावा जो मतलब करंट अफेयर था ना, करंट अफेयर तो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तो जो पढ़ के गए थे वैसे आए थे। उस वक्त ओलंपिक चल रहा था तो ओलंपिक के क्वेश्चन पूछे थे उसके अंदर, ये चीजें होती है। उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको करंट अफेयर और ये चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है। इंटरव्यू के अंदर 2 चीजें होती है, जैसे हमारा बैकग्राउंड सिविल का है ना, तो आपको सिविल की जितनी योजनाएं हैं स्पेशली एमपी की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एमपी के अंदर अभी केन बेतवा लिंक परियोजना है ना, उसके ऊपर काम चल रहा है। अटल प्रोग्रेस वे उसके ऊपर काम चल रहा है, और ऐसे नर्मदा एक्सप्रेस वे भी एक शायद बन रहा है उधर होशंगाबाद की साइड, उसके ऊपर चल रहा है। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं भी नॉन टेक्निकल में ये चीज पूछ सकता है वो। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो स्कीम होती है ना रिसेंटली जो लॉन्च हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई गेम्स हुए हैं, जैसे अभी फुटबॉल का गेम चल रहा है ना कतर के अंदर, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अगर कोई इम्पोर्टेंट डे गुजरा है उस वक्त से, जैसे मेरे टाइम पे योगा डे गुजरा था, तो योगा के बारे में बहुत सारे बच्चों से सवाल करे थे, एक लड़की थी उससे भी सवाल किए थे योगा के बारे में। तो योगा के बारे में स्पेशली आप जो है ना न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर जो पैनल के मेंबर होते हैं वो भी पढ़ते हैं। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन वो न्यूज के अंदर से ही पूछते हैं। तो न्यूज़पेपर आप दैनिक भास्कर ले सकते हो, और अगर इंग्लिश न्यूज आप पढ़ते हो तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, ये बढ़िया है। जैसे हमारे घर पे दैनिक भास्कर आता है तो हम दैनिक भास्कर पढ़ते हैं। और आपके क्षेत्र के बारे में जितनी मतलब जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे जो क्षेत्र की मुख्य समस्या है वो ट्रैफिक है, नालियों की समस्या है, सफाई की समस्या है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी एमपी के अंदर या फिर पूरे इंडिया के अंदर इंदौर लगातार नंबर 1 पे आ रहा है, तो इंदौर का जो वेस्ट का मॉडल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीजें हमने प्रिपेयर करी थी, हालांकि मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछे लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो अपने माइंड में क्वेश्चन पहले से फ्रेम कर लीजिए, ये तो आउट क्वेश्चन है, ये पूछे ही जाएंगे, नहीं पूछे गए आगे भी पूछ लिए जाएंगे, किसी ना किसी से पूछे जाएंगे। हाँ अब जैसे कि मैं अगर देखो इंटरव्यू की जब तैयारी कर रहे थे ना, तो हमने तैयारी अच्छे से करी थी। जैसे कि हमारे यहाँ कचरा गाड़ी आती थी, तो मैंने मतलब ये चीज भी नोट करी थी कि इसमें कितने बॉक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पूछ सकते हैं वो। आप अगर रोज कचरा डालते हो तो पूछ सकते हैं, जरूरी थोड़ी क्या है वो। जनरल अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, वो करते हैं जनरल अवेयरनेस। आपको ये नहीं कि डीप नॉलेज, जस्ट आप अवेयर हो चीजों से आसपास की डेली मर्रा की जो चीजें हैं उसको। हाँ और एक चीज और ये रहती है, जब इंटरव्यू देते हैं ना, मैंने कैसा फील किया था मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब 2 से 3 बार तो मैं वॉशरूम ही गया था बाहर, मुझे इतना डर फील हो रहा था। मैंने कहा यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हालांकि पढ़ा सब कुछ एकदम से प्रिपेयर किया था लेकिन फिर भी बहुत डर लग रहा था। उसके बाद जब अंदर गए ना, तो मतलब बाहर बिठा के रखते हैं वो 3 जनों को पहले, तो वहां बैठे वहां भी डर लग रहा था। पर मैंने कहा अब यार ओखली में सिर दे दिया तो डर मुसलिस क्या डरना, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना करी और डायरेक्टली गुड इवनिंग करके और घुस गए अंदर। उसके बाद फिर जब वो है ना, अगर आपको पैनल मेंबर जो होता है, सबसे पहले आपकी बात होती है चेयरमैन से, तो अब जो कुछ बच्चों के जो चेयरमैन थे या जो पैनल था वो थोड़ा स्ट्रिक्ट पैनल था, तो उनसे डायरेक्टली रैपिड फायर के उन्होंने कर दिए थे। लेकिन जो हमारा पैनल था ना, हमारे पैनल के अंदर सारे बच्चों से एकदम पहले उनका इंट्रोडक्शन लिया था, और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे थे मतलब जिनसे सिर्फ नॉन टेक ही पूछा था, टेक्निकल उनसे पूछा ही नहीं था। हाँ मैंने उनसे, हाँ कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनसे सिर्फ नॉन टेक पूछा था। तो आप एकदम मतलब वर्स्ट के सिनेरियो को प्रिपेयर करके जाएंगे। अगर आपसे डायरेक्टली रैपिड फायर का भी राउंड पूछते हैं ना, वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप हाथों हाथ बताना स्टार्ट कर दो। उस वक्त घबराना नहीं होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि एक पैनल था उसमें शायद 2-3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं उनका, तो ऐसा सुनने में आया था कि उधर से है ना सारे बच्चे रो रो के निकल रहे थे बाहर। हाँ अब एक लड़की थी तो वो गई अंदर, तो
उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, अब क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करे, उसको नहीं आया सॉरी सर, नहीं आया सॉरी सर, ऐसे एक आध क्वेश्चन का जवाब दिया उसने, अब उसको सबसे अच्छे नंबर मिल गए इंटरव्यू के अंदर। वो लोग मतलब है ना सामने वाले का ये चेक करते हैं कि सामने वाला नर्वस तो नहीं हो रहा है, घबरा तो नहीं रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है ये अपने अंदर इस चीज को लेकर, तो कितना प्रेशर हैंडल कर पा रहा है ये सब, हाँ सिचुएशन हैंडल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अपन जिस पोस्ट पे जाते हैं वहाँ पे इससे ही बड़े बड़े प्रेशर आते हैं, तो ये चीज तो आप थोड़ा माइंड करके जाओ। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन इजी पूछते हैं, बस अपना को क्या है कि कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना रहता है उस चीज का। अच्छा सर एक और बात, आपकी जो प्रेफरेंस थी वो कैसी थी, मतलब? हाँ मेरी प्रेफरेंस, हाँ मेरी प्रेफरेंस सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस थी पीडब्ल्यूडी, सेकंड आरईएस थी, थर्ड अपनी पीएचईटी और लास्ट में डब्ल्यूआरडी थी। तो मैंने अपनी प्रेफरेंस को इसलिए रखा था कि एक तो डब्ल्यूआरडी वाला डिपार्टमेंट जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, पानी वाले सब्जेक्ट मुझे शुरू से पसंद नहीं थे, डैम वगैरह मतलब जो सबसे इजी सब्जेक्ट है ना इरिगेशन हाइड्रोलॉजी मुझे कभी समझ में ही नहीं आया, स्ट्रक्चर आ जाते थे समझ में, आरसीसी आ जाती थी समझ में, तो मैं चाहता नहीं था कि मतलब मैं डब्ल्यूआरडी वैसे डिपार्टमेंट में जाऊँ। उसके अलावा जो मतलब पीएचईडी वाला जो डिपार्टमेंट है वो भी अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन मेरे को इन्वायरमेंट भी इतना अच्छा नहीं लगता था। अब आरईएस का काम कैसा था कि आरईएस के अंदर गवर्नमेंट के गांव के प्रोजेक्ट निकलते हैं ज्यादातर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर पंचायत की बिल्डिंग है, इस तरह की चीजें निकलती थी, तो ये लगभग लगभग पीडब्ल्यूडी जैसी काम होता है इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको सेकंड प्रेफरेंस पर रखा था। और अभी गांव का डेवलपमेंट भी ज्यादा हो रहा है, मतलब नए नए रोड उसके अंदर पास हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने वो रखा था। और फर्स्ट में पीडब्ल्यूडी इसलिए रखा था कि पीडब्ल्यूडी के ज्यादातर काम जो होते हैं या तो सिटी के होते हैं या फिर हाईवेज वगैरह इनके इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स जो होती है इनके काम होते हैं, तो ये एक अच्छी अच्छी प्रोफाइल बनती है, इसलिए मैंने ये रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा सर ये तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये प्रेफरेंस में आपने एक पॉइंट ऐड कर दिया है, तो लोग मैं यही कहना चाहूंगा यदि आप अपनी प्रेफरेंस कोई टॉपिक रखना है, मतलब कोई डिपार्टमेंट रखना है, टॉप दो डिपार्टमेंट के बारे में अच्छा नॉलेज गेन कर लीजिए, और रीजन क्या है आपका उनका पुटअप करने का टॉप पर, हाँ ये चीज जी बिल्कुल। अच्छा सर ये पूछना चाह रहा था आपसे पास्ट एक्सपीरियंस कैसे रहा तैयारी को लेकर, मतलब पहले आपका कहाँ कहाँ सिलेक्शन हो चुका है? देखो सब, हाँ मैं आपको अपना खुद का बताता हूँ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग करता हूँ, इवन मतलब ज्यादातर बच्चे उस कॉलेज का नाम ही जानते, अरविंद कॉलेज से हूँ मैं, है ना। तो उसके अंदर क्या होता था कि जब मैं तैयारी करता था ना, तैयारी के अंदर डीमोटिवेटर बहुत सारे मिलते हैं, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका रीजन क्या था कि हमारे कॉलेज से कभी किसी का गेट का एग्जाम निकला ही नहीं था, सरों का भी नहीं निकला था वहां से। तो मैं तैयारी करता गेट की, यार मुझे अच्छे मार्क्स थे मेरे मतलब ट्वेल्थ के अंदर, तो मुझे जीएसआईटीएस मिल रहा था, बाकी क्या है थोड़ी पारिवारिक स्थिति थोड़ी ऐसी थी, तो मैंने कहा यार फीस अपन कहाँ भरेंगे, तो मेरा पूरा जो इंजीनियरिंग और एमटेक पूरा फ्री में हुआ है मेरा, फीस जरा से भी नहीं लगी, तो मेरा फ्री के अंदर 100% स्कॉलरशिप मिल गई थी, तो मैंने ले लिया कॉलेज वो सिविल के अंदर। अब तैयारी करना स्टार्ट करी, बहुत डिमोटिवेट करते थे कि अरे नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आईआईटी के बच्चों का होता है, इनका होता है उनका होता है। मैंने कहा ठीक है अपन आगे बढ़ते रहो और करते रहिए करते रहिए। मेडिजी के अंदर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन करी, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाता था मैं, उसकी टेस्ट सीरीज में मतलब अच्छे नंबर आते थे मेरे। फिर गेट का एग्जाम दिया, गेट का एग्जाम फर्स्ट बार में निकल गया था मेरा, मेरे को 48 के आसपास मार्क्स आए थे उसमें, तो हाँ 48 के आसपास मेरे को फर्स्ट बार में मार्क्स आ गए थे। तो फिर क्या डिमोटिवेटर जो थे ना वो थोड़ा सा हट गए थे फिर वो ज्यादा बात नहीं करते थे मेरे से, बिल्कुल दूर भाग जाते हैं बिल्कुल। हाँ तो उसके बाद मैंने क्या करा था कि मैंने एमटेक मुझे करना ही था एक्चुअली, इसमें तो कोई दोरा है नहीं, मेरा फर्स्ट जो मेन एग्जाम थी मेरी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जामिनेशन थी, तो वो जो पूरा प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो बार बार लगाता था वो मैं, है ना, वो बार बार लगा था, मेरे को क्या है कि अच्छी हैबिट हो गई थी इन क्वेश्चंस की। तो मैंने कहा यार एनआईटी जयपुर का नाम सुना था कि यार जयपुर के अंदर कोचिंग बिल्कुल पास है मेरी थी, तो अपन टेस्ट वगैरह आसानी से दे सकते हैं वहां जाके, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था उसका। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस जो था मेरा साउथ के रखे थे, और फोर्थ या थर्ड प्रेफरेंस मेरा एनआईटी जयपुर का था, और फिफ्थ वाला मेरा मेनिट भोपाल का था। तो मेनिट भोपाल मेरे को मिल गया था स्ट्रक्चर में, तो फिर वापस से सीसीएल डाला, फिर मेरे को एनआईटी जयपुर मिल गया और मैं चला गया वहां पे। और वहां पे तैयारी को लेके अच्छे का मतलब सब पढ़ने वाले बच्चे रहते थे वहाँ पे, आरपीएससी का उस वक्त पेपर था, तो बहुत तैयारी करते थे, बहुत तैयारी करते थे करते रहे। फिर एमपीपीएससी का पेपर आ गया, उस वक्त भी गेट दिया था मैंने, तो गेट मेरे उस वक्त आए थे 60 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे 2020 के अंदर, 60 के आसपास मेरे मार्क्स आए थे। ईएस उस वक्त भी दिया था मैंने, तो ईएस का मेरा मतलब 2-4 नंबर से मेरा पेपर रुक गया था प्रीलिम्स का। हाँ तो मैं पास आउट करता हूँ, मैं पास आउट 2019 का पास आउट हूँ। डिग्री आपकी 2019 में हुई?
हाँ 2019 मेरी बीटेक की डिग्री हुई और 2021 के अंदर मेरी एमटेक की डिग्री कंप्लीट हुई। ये बहुत बढ़िया रहा ये तो। हाँ तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर कि यार उसके बाद आपने क्या किया, तो बोले कि एमटेक, बोले एमटेक हो गया या चल रहा है अभी, तो ये भी पूछते हैं वो। तो अगर कोई बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं और वो एमटेक परस्यूइंग में है तो वो ऐसा लिख सकते हैं डीएफ के अंदर कि आप एमटेक परस्यूइंग हो अभी, तो हाँ तो ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, इसमें आपकी प्रोफाइल अच्छी बनेगी कि आप फ्री नहीं बैठे, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। हाँ और मतलब हाँ अगर लोग डर रहे हैं अभी, मतलब बहुत क्वेरी आती है कि भाई एमटेक मैंने पुट अप कर दिया, अब मैं उसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल करूंगा इंटरव्यू में, तो ऐसा डर तो नहीं था कि कुछ भी पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। हाँ अब जैसे कि मेरा एमटेक का जो प्रोजेक्ट है अर्थक्वेक के ऊपर, अर्थक्वेक मुझे आता ही नहीं है, तो भी मैंने उस चीज को पढ़ा धीरे धीरे, कोड वगैरह पढ़े, अपना एमटेक का जो प्रोजेक्ट था ना वो पूरा मैंने बाय हार्ट कर लिया, बार बार उसको पढ़ पढ़ के, हालांकि मैंने वर्क किया था उसके ऊपर ताकि अगर मेरे से कुछ भी पूछा तो मैं उस चीज को वो कर सकूं। और दूसरी बात ये कि आपका एमटेक का जो प्रोजेक्ट है या बीटेक का जो प्रोजेक्ट है आप उसको एमपी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इस चीज को भी आप थोड़ा देख सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के हिसाब से। मेरा हाँ मेरा जो इंटरव्यू का वो एमटेक का जो प्रोजेक्ट था वो हिल साइट्स के ऊपर था, हिली साइट्स के ऊपर, तो मैं ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके गया था कि यार एमपी में हिली साइट्स कौन कौन सी है और अर्थक्वेक जोन जो होते हैं एमपी के या विंड जोन जो होते हैं, वो चीज आप एक बार देख लेना कोर्स के अंदर से। बिल्कुल जबलपुर वगैरह में ज्यादा आते रहते हैं अभी रिसेंटली भी एक्सीडेंट। हाँ तो ये क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अपनों को ऐसा लगता है कि ये वो क्या पूछेगा वो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्या हुआ था कि एमपीपीएससी का बस कैलेंडर वगैरह आया था, मैंने कहा आप तैयारी करनी है, तो जब निकली 30 पोस्ट 2020 के अंदर है ना, उसके लिए आंदोलन भी हुए थे। अब मेरा हाँ मेरा देख के और हो गया दिमाग खराब, मैंने कहा यार इसके लिए अपन, मतलब मैं कॉलेज से बहुत डिस्पेरेट था एमपीपीएससी यही के लिए कि यार मेरा एक सूरज सर करके थे कॉलेज में, तो उनका हो गया था है ना, तो वो अभी भी एचडी हुई है पीएचडी के अंदर, तो मैं उनसे इंस्पायर भी था, मैंने कहा इनका हो गया अपना भी हो सकता है, और उनका गेट में अच्छा स्कोर नहीं था, मेरा तो वो गेट में भी थोड़ा अच्छा स्कोर था, तो मैंने कहा अब 30 पोस्ट निकली है तैयारी कैसे करें, मैंने कहा ठीक है थोड़ी थोड़ी करते हैं, करते रहे बार बार एग्जाम डिले होता रहा, लेकिन मतलब फैजान और हम दोनों ने क्या है कि एक दूसरे को मोटिवेट कर रखा था, हमने मतलब तैयारी एक हफ्ते थोड़ा खाली बैठे फिर तैयारी स्टार्ट कर दी, ऐसे लास्ट तक हमारी तैयारी चलती रही, और इवन मतलब जब पेपर देके भी आए थे ना तो एक कॉन्फिडेंस था कि यार हो जाएगा अपना। हाउएवर मतलब जैसे नेविगेट वगैरह जैसी कोचिंग होती है कट ऑफ बहुत बेकार बताते हैं, हाँ 350 कट ऑफ बता रहे थे उस वक्त, जबकि किसी के मार्क्स ही नहीं आया 350। उनका तो मतलब उनकी अब मैं कहना नहीं चाहूंगा मेरे चैनल के थ्रू, चलिए अब तो रहने देते उनको, लपेटे में नहीं ले रहे। अरे मैंने तो लपेटे में ले रखा है, मैं क्यों वो बोलूं, वो वहाँ पे जो सर है ना मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना नहीं आती, आप पढ़ा रहे हो बच्चों को ऐसी, मैं अब जो भी एक्सपीरियंस में उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो ना तो थोड़ा खर्चा करके और अच्छी कोचिंग ज्वाइन करो, जहाँ पे मतलब बहुत क्वालिफाइड टीचर्स आपको पढ़ाते हो, जैसे मेडिजी या फिर ईएस मास्टर हो गई या फिर एस अकेडमी हो गई है ना, इस तरीके जिससे आपका टेक्निकल स्ट्रांग हो। हाँ क्योंकि क्या होता है कोचिंग वगैरह आप एक कुछ टॉपिक छोड़ देती है, वही टॉपिक एग्जाम में आ जाता है, आजकल क्या ट्रेंड एग्जाम का चेंज हो जाता है, पहले जो इजी टॉपिक्स आते थे अब नहीं आते हैं, अब और डीप जो टॉपिक हम बोल लेने लगे हैं, पहले क्या होता था शुरू के ही चैप्टर आते थे, अब पीछे वाले चैप्टर भी एग्जामिनेशन वाले जो एग्जामिनर हैं वो कवर करने लगे। हाँ तो ये इसके हिसाब से मुझे अर्थ था, जैसे कि देखो अब रेलवे और एयरपोर्ट है ना, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हर किसी के अच्छे नहीं होते, अगर इक्का दुक्का कोई बच्चा हुआ जिसके बहुत जिसका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही मास्टर्स कर रखा उसने, उसके अच्छे हो सकते हैं, तो इसमें से आप क्या बेसिक पढ़ के जाओ, जैसे कि जितना मतलब आप बस कर सको उतना आप पढ़ के जाओ, तो 10 में से अगर 2-4 क्वेश्चन बन गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो बच्चा तो वो भी नहीं बनते ये। और दूसरी बात स्टील्स के अंदर से, स्टील और आरसीसी ऐसे सब्जेक्ट है कि इनके अंदर कोडल प्रोविजन आते ही आते हैं, कोडल प्रोविजन इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछता नहीं है, नॉन हैंड जब हाथ से कैलकुलेशन करनी होती है तब, तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है। अच्छा और बाकी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है यार? अच्छा सर अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, मतलब आरईएस तो आपको मिल गया है, एई भी बन गया, अब क्या और आगे बढ़ने का इरादा है या बस यहीं पर है? अभी मतलब इस चीज के ऊपर थोड़ा विचार कर रहे हैं। हाँ तो वही हम दोनों तैयारी करेंगे फैजान और हम दोनों, है ना, सिविल सर्विसेज के बारे में हम सोच रहे हैं कि यार
स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा मतलब जॉब में थोड़ा सेटल हो जाए, फिर उसके बाद इस चीज को देखेंगे एक बार। बिल्कुल सर बिल्कुल, आगे आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी थैंक यू थैंक यू, वही तो आपने बहुत अच्छा टाइम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। हाँ, और कोई भी अगर आप डाउट हो तो पूछ सकते हो, है ना, तो ताकि क्या है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये इस चीज का फायदा पहुंचे। तो बच्चे अभी मतलब मेरे पास भी स्टूडेंट्स जो है वो उनके मैसेज आते रहते हैं, बहुत कंफ्यूज है उस चीज को, इवन मतलब डीएफ फॉर्म्स को लेकर भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हाँ, काफी उनको बता चुके हैं कि आप चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और जो सैंपल है वो भी मैंने शेयर कर रखे हैं, आप उनको देखकर भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी सर भी अवेलेबल हैं आपके लिए, आप उनसे भी डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हाँ, और तो बस मैं खत्म करते हैं ना सर फिर। जी अब इसको फिर खत्म किया जाए सेशन। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सभी का, धन्यवाद धन्यवाद। ओके।